विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम स्थल रूप पे जितने भी आकृतियाँ बनती थी, मतलब भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के इस श्रेणी में हम टॉपिक नया आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि भूमिगत जल के कार्य कौन से हैं। ये भू आकृति विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं और बहुत ही आप कर भी नहीं पाएंगे जल्दी, बहुत ही की जो प्रकृति रहती है, अगर जो आप पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं को हम लेकर के आए हैं, भूमिगत जल के कार्य, मतलब भूमिगत जल के कार्य क्या है, उनसे निर्मित आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले याद रखिए, भूमिगत जल के कार्य कौन कौन से होते हैं। एक अपरदनात्मक, दूसरा निक्षेपात्मक। अपरदन का मतलब किसी चट्टान का वहीं पे क्या होना, अपरदन कर देना। मतलब सबसे पहले क्या होगा, अपक्षय अपरदन होगा, अपरदन से क्या होगा, अपक्षयित पदार्थ, अपक्षयित पदार्थ का फिर क्या होगा, निक्षेप होगा। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले हम देखेंगे अपरदनात्मक, दूसरी क्या है, निक्षेपात्मक। तो हम सबसे पहले देखेंगे अपरदनात्मक चट्टानें क्या होती हैं। अपरदनात्मक मतलब कि भूमिगत जल के द्वारा अपरदन से निर्मित कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, उनको हम देखेंगे अपरदनात्मक में। तो हम सबसे पहले इनको बता दें कि कौन कौन सी, आप लोग इसको बना लीजिएगा जैसे फिगर बना हुआ है। तो अपरदनात्मक पहले लैपिज, गोलरंध, ड्यूलाइन, युआला, पोलजे, अंधी घाटी और कंदरा। तो हम एक एक को देखते हैं आखिर होता क्या है। फिर दूसरी तरफ क्या है, निक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और कंदरा स्तंभ, इतने हैं। हम देखते हैं ये है क्या चाहिए, एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लैपिज से। लैपिज, अब देखते हैं लैपिज क्या है। अगर जो किसी चूनायुक्त चट्टान पर, किसी चूनायुक्त चट्टान पर अगर जो पानी पड़ता है, तो पानी के वहाँ चूना चूना क्या होगा, घुल जाएगा। उससे क्या होगा, एक मान लीजिए जो फिगर बना हुआ है, ये लैपिज है। लैपिज जैसे कोई, ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, इस पर क्या क्या पानी पड़ा, इस चट्टान पर अगर जो पानी पड़ा तो इसका चूना चूना क्या होगा, घुल जाएगा। और जहाँ पे चूना घुलेगा वहाँ पे एक, जहाँ पे चूना पड़ा वहाँ घुल गया, बाकी क्या होगा, एक मीनार के जैसा दिखेगा, स्तंभ के रूप में। तो ये जो आकृति होती है जिसको आउटपुट बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं लैपिज। क्या कहलाती है, लैपिज। तो जैसे फिगर बना हुआ है, जो ये वाला पोर्शन है, इसमें जो चूना था वो घुल गया, चूना घुल गया तो उससे निर्मित जो आकृति हुई, जो स्तंभ के रूप में खड़ी हुई दिखाई देती, इसको हम बोलते हैं लैपिज। क्या बोलते हैं, लैपिज कहते हैं। बीच का चूना घुल गया, ये आकृति जो बनी उसको लैपिज कहते हैं। नेक्स्ट है गोलरंध। गोलरंध आखिर क्या होता है, अगर जो किसी, ये याद रखिएगा, जितनी भी आकृतियाँ चूनायुक्त प्रदेशों में बनती हैं, कास्ट प्रदेश जिनको कहते हैं, उनमें हम देखिए गोलरंध क्या होता है। मान लीजिए जैसे कोई ये क्षेत्र है, क्षेत्र है, इसमें क्या हुआ, बारिश हुई, मान लीजिए बारिश हुई, बारिश जहाँ पे होगी वहाँ का चूना घुलेगा, गड्ढा जैसा बन जाएगा। तो जो गड्ढे बनते हैं उसी को गोलरंध कहते हैं, जो गड्ढे बनते हैं उनको क्या कहते हैं, गोलरंध कहते हैं। गोलरंध गड्ढे बन के उनको गोलरंध, और कई गोलरंध मिल करके डोलाइन बनाते हैं। कई गोलरंध मिल करके जब एक बड़ा गड्ढा बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोलाइन कहेंगे, डोलाइन। और कई डोलाइन मिल करके, मतलब बहुत सारे डोलाइन मिल करके क्या बनाते हैं, युआला बनाते हैं। कई सारे डोलाइन मिल करके क्या बनाएंगे, युआला, युआला बनाते हैं। और कई युआला मिल करके पोलजे बनाते हैं, मतलब कि गोलरंध मिल करके डोलाइन, डोलाइन मिल करके युआला, युआला मिल करके पोलजे। और विश्व का सबसे बड़ा पोलजे, लिवनो पोलजे, बाल्कन प्रायद्वीप, मतलब यूरोप में पड़ता है बाल्कन प्रायद्वीप। देखेंगे टर्की के दूसरे हिस्से में, यूरोपियन टर्की के पीछे का जो क्षेत्र, बुल्गारिया वगैरह जो क्षेत्र आते हैं, वो सब किस में, बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। तो लिवनो पोलजे बाल्कन क्षेत्र में पड़ता है, इसको याद रखिएगा, लिवनो पोलजे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, लिवनो पोलजे। तो गोल्डन मिल करके डोलाइन, डोलाइन मिल करके युआला, युआला मिल करके पोलजे, मतलब सबसे बड़ा जो जो गड्ढा बनेगा वो क्या कहलाएगा, पोलजे कहलाता है। फिर आता है अंधी घाटी। अंधी घाटी देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है, क्या कोई नदी है, ये कोई नदी बह रही है, लेकिन क्या हुआ कि नदी के जो बहाव क्षेत्र में कोई अगर जो गोलरंध आ जाए, नदी के बहाव के क्षेत्र में कोई गोलरंध आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, नदी इस तरीके से बह रही थी, इसके बहाव क्षेत्र में क्या आ गया, एक गोलरंध आ गया। तो गोलरंध में क्या होगा, पूरी पूरी नदी उसी में समाहित हो जाती है, मतलब गोलरंध में पूरी पूरी नदी समाहित हो जाती है, और वो आगे चल करके अंदर ही अंदर क्या होती है, समुद्र तक पहुँच जाती है, समुद्र में, ये समुद्र है, तो अंदर ही अंदर क्या हुई, समुद्र तक पहुँच गई। तो जो रास्ता तो इसका इस तरफ से था, लेकिन चली गई अंदर ही अंदर, तो जो पुरानी जो उसकी घाटी थी जिसमें से नदी होकर के जा रही थी, पहले बह रही थी, तो वही जो सूखी हुई घाटी उसकी क्या कहलाती है, अंधी घाटी कहलाती है, अंधी घाटी। और नदी क्या होती है, इसमें अंदर ही अंदर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गोलरंध पड़ गया, इसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, अंधी घाटी के बाद एक टॉपिक है कंदरा। कंदरा क्या होता है, कंदरा मतलब गुफा। ये कास्ट प्रदेशों की सबसे प्रमुख आकृतियों में से एक होती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो भूमिगत जल जो होता है वो बहाव के क्षेत्र में, भूमिगत जल में एक कंदरा मतलब कि गुफा का रूप ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंदरा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए गुप्त गोदावरी चित्रकूट की, गुप्त गोदावरी चित्रकूट या कार्लसबाद कंदरा यूएसए की, ये दो फेमस कंदराएं हैं, इनको याद रखिएगा, कंदरा से प्रश्न आते हैं। तो गुप्त गोदावरी चित्रकूट की, कार्लसबाद कंदरा यूएसए, दोनों को याद रखिएगा।
कंदरा मतलब के अंदर की गुफानुमा आकृति होती है, इसको याद रख, कंदरा मतलब गुफा होता भी है। तो जो अपरदनात्मक रूप से आकृति थी उनको मैंने बता दिया, अब देखते हैं निक्षेपात्मक क्या होता है। निक्षेपात्मक देखिए, निक्षेपात्मक में तीन प्रमुख आकृतियां बनती हैं। निक्षेपात्मक में तीन प्रमुख आकृतियां, इसको याद रखेगा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, कंदरा स्तंभ, तीन आकृतियां हैं। लेकिन ये बनती कैसे उनको हम देखते हैं। ये चीज याद रखिएगा, भूमिगत जल द्वारा निर्मित जितनी भी आकृतियां हैं अधिकतर आकृतियां चूना प्रदेशों में, कास्ट प्रदेश, मतलब चूना प्रदेश मतलब कास्ट प्रदेशों में बनती हैं, कास्ट प्रदेश में। तो हम देखते हैं आखिर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट है क्या चीज। देखिए, अगर जो चूने द्वारा, चूना प्रधान युक्त चट्टाने में जब वर्षा का मतलब भूमिगत जल रिश्ता रहता है तो चूना युक्त क्या होती है, नीचे की तरफ एक लटकती हुई दीवार सी बन जाती है, इस तरीके से आकृति बनती है। जो क्या होगी मतलब कि दीवार से, मतलब मान लीजिए क्या कोई कंदरा है, कंदरा के ऊपर दीवार से लटकती हुई आपको घाटी छोटी छोटी क्या होंगी आकृतियां दिखेंगी। दीवार से जिस तरफ से जो होती है उनको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट जो दीवार के तौर पर दिखती है उनको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। लेकिन ऐसी आकृति जो सतह पर बनी हो, उनको बोलते हैं स्टेलेगमाइट, देखिए ऊपर की, मान लीजिए पूरी क्या है कंदरा है, कंदरा में जो ऊपर की तरफ से जो आकृति है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, मतलब ऊपर क्या है स्टेलेक्टाइट है और नीचे की तरफ स्टेलेगमाइट, है ऊपर की तरफ स्टेलेक्टाइट, नीचे तो स्टेलेगमाइट। अब स्टेलेक्टाइट ऊपर की तरफ, स्टेलेगमाइट नीचे की तरफ, लेकिन स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जब दोनों आपस में मिल जाती हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट क्या भाई आपस में मिल गई, जब दोनों के आपस में मिलने से क्या बनता है कंदरा स्तंभ बनता है, कंदरा स्तंभ दोनों के आपस में मतलब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट मिल जाते हैं उससे कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। तो ये सभी कास्ट प्रदेशों में निर्मित आकृतियां होती हैं, इनको याद रखिएगा, कास्ट प्रदेशों में। और ये जो टोटल जिसमें बन रही है यही कंदरा है, जो टोटल जिसमें ये आकृतियां बन रही है यही कंदरा है, कंदरा में ये आकृतियां बनती हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, दोनों को याद रखिएगा। तो भूमिगत जल के कार्य फिलहाल इतने ही हैं, निक्षेपात्मक और अपरदनात्मक। निक्षेपात्मक में स्टेलेक्टाइट, इसमें कंदरा स्तंभ, इसमें जो मैंने बताया है। तो फिलहाल ये भूमिगत जल के कार्यों में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बुलाऊंगा जो मैं नदियों के द्वारा कार्य के बारे में बताऊंगा, नदियों के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां नदियों के कार्य से मतलब नदियों के जल के द्वारा निक्षेपात्मक रूप में बनती, कौन अपरदनात्मक रूप में बनती। इसमें भी बरखान वगैरह जब हम वायु के द्वारा निर्मित आकृतियां बताएंगे, और इसमें आएगा और हम देखेंगे हिमानियों के द्वारा निर्मित आकृतियां भी आएंगी। फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।